तो फिल्म का इंतजार है? सुपरस्टार है। बट प्रभास के अंदर एक अलग ही क्वालिटी है। We love you. We definitely love you. All the best. Hello and welcome to R9 TV. मैं हूँ आपके साथ पूजा। फिल्म इंडस्ट्री के बाहुबली यानी कि प्रभास और श्रद्धा कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म साहो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। 30 अगस्त को ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने वाली है और इस फिल्म का इंतजार दर्शक बेसब्री से काफी दिनों से कर रहे हैं। तो फिल्म रिलीज होने वाली है, ऐसे में लोगों का क्या कुछ कहना है इस फिल्म को लेके और कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है, चलिए लोगों से ही जानते हैं। तो 30 अगस्त को साहो फाइनली रिलीज हो रही है, कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। तुम्हें प्रभास बहुत ज्यादा पसंद है? भाई मैं फैन हूँ, बहुत खतरनाक वाला उसका। क्या अच्छा लगता है प्रभास में, मतलब प्रभास की ऐसी क्या चीज है जो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है? प्रभास की सबसे बेहतरीन तो उसकी एक्टिंग है और दूसरी बात उसका जो लुक है एकदम, मतलब बॉलीवुड वाले मेरे को नहीं लगते उसके आगे कोई भी। अच्छा, मतलब आप ये मानते हो कि प्रभास का लुक जो भी बॉलीवुड के स्टार है उनसे बहुत अलग है? जी बिल्कुल, बहुत अलग है। जी मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है। फिल्म देखने जाएंगे? 110% देखने जाऊंगा, पहला फर्स्ट शो देखूंगा, फर्स्ट डे। तो प्रभास को लेके क्या कुछ कहना चाहिए? प्रभास एक बहुत अच्छा कलाकार है दक्षिण भारत का। जैसे बाहुबली आई थी उसकी बाहुबली 1 बाहुबली 2, मतलब इतना धूम मचाई थी। मुझे लगता है जो अभी मूवी आ रही है ये भी उससे ज्यादा, मतलब उससे मतलब कई गुनी अच्छी। यहाँ पे कोई है जो ये कहेगा की बाहुबली जो फिल्म थी प्रभास की उसको बीट कर जाएगी साहो? डबल उसके 3 गुना कर जाएगी बीट जो है उसको, जो सबसे ज्यादा कमाई होगी उसकी। लोग अभी से एडवांस टिकट बुक करा के रखे हुए हैं जो उस फिल्म को देखने के लिए जो है। प्रभास का इंतजार तो हर एज के लोग कर रहे हैं, तो आपको भी इंतजार है? यस, आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी बिकॉज दिस मूवी इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम वेटिंग। ट्रेलर देखा, फिल्म का कोई गाना सुना? यस, दिस मूवी सॉन्ग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लाइक दिस मूवी एंड आई एम वेटिंग फॉर दिस मूवी। यू लाइक प्रभास ऑल्सो? यस। तो आप जाने के लिए तैयार है देखने के लिए? ऑब्वियसली जाने के लिए तैयार है। जिस तरीके से देखा जाता है सलमान शाहरुख जो बॉलीवुड में इतने फेमस हैं, उसी तरीके से आज प्रभास जो कि आपको पता होगा साउथ एक्टर है, उनकी नई मूवी आने वाली है। तो वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड डेफिनेटली वी मस्ट गो एंड आई एम एडवाइजिंग यू टू यू ऑल्सो मस्ट गो देयर एंड जस्ट वॉच द मूवी। ओके, थैंक यू। आई मीन एक्सपेक्टेशन तो है ही, अब बाई सीइंग द बाहुबली ऑब्वियसली द मार्क हैज बीन सेट and after that obviously we want, the public wants more from him and we expect a lot from him now. So film Saaho ko leke excitement hai? Excitement hai, Prabhas ki achhi acting thi Bahubali aur Bahubali 2 dono mein unka bahut acha performance raha aur usse pehle itna acha dekhne ko nahi mil paya tha, tab haan yahi vichar hai aur wahi soch hai ki बाहुबली 2 से भी और अच्छा परफॉर्मेंस वो दे। आप प्रभास का नाम आपने सुना है, बॉलीवुड के स्टार है, उसकी फिल्म आ रही है साहो, मतलब क्या लग रहा है कि अच्छी होगी बुरी होगी? बिल्कुल अच्छी होगी, वो एक्टर ही बहुत अच्छा है। उसकी बाहुबली देखी थी, बहुत ही अच्छी मूवी थी और उसकी जो आने वाली मूवी है वो भी बहुत ही अच्छी रहेगी। क्या लगता है साहो अच्छा होगा? बिल्कुल बहुत अच्छी जाएगी, मस्त, बहुत बहुत मुझे बहुत पसंद है। बॉलीवुड में प्रभास का जादू चल रहा है? हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। हाँ बाहुबली में काफी अच्छी एक्टिंग थी, सो ऑब्वियसली सी इसमें भी अच्छी एक्टिंग करेंगे वो। हाँ ब्लॉकबस्टर जाएगी ये मूवी। वी लव हिम एज बाहुबली एंड वी विल डेफिनेटली लव हिम एज साहो एज वेल, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। नहीं सही में वो बहुत ही अच्छे हैं, आई रियली लाइक हिम, वी ऑल लव यू एंड यू आर वेलकम हियर। तो भाई फिल्म को लेकर तो लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है, फिल्म का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं, पर जिस तरीके से फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया था लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म के बैक टू बैक गाने रिलीज किए गए, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। फिल्म के सारे गाने में प्रभास और श्रद्धा की केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जिस तरीके से प्रभास ने बाहुबली में अपनी परफॉर्मेंस दी थी उसी परफॉर्मेंस का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं और उनकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या फिल्म साहो बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं और क्या बाहुबली की तरह प्रभास को इस फिल्म से प्यार मिलेगा या नहीं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं पूजा, R9 TV, दिल्ली।